नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीवी न्यूज पर स्पोर्ट्स देख रहे हैं। आज हम आपको कुछ इनसाइड स्टोरी बताएंगे यहां के टीम इंडिया के बारे में। दरअसल सिलेक्शन नहीं होने पर चयनकर्ता पर फूटा टीम इंडिया के बैटर का गुस्सा, संन्यास लेकर तबाह किया कैरियर। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक कुशल खिलाड़ी हुए। कैरियर में उतार चढ़ाव में संयम से आगे बढ़ने वाले को ही यहां जीत मिली है। जिसने आवेश में आकर गलत कदम उठाया उसका कैरियर बर्बाद हो गया। टीम इंडिया के धुरंधर बैटर आमबाती रेडियो, जिसकी तारीफ खुद सचिन तेंदुलकर तक कर सकते हैं और करते भी हैं, उन्होंने गुस्से में कैरियर चौपट कर लिया। टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो चयनकर्ता से उलझ पड़े और फिर बिना सोचे समझे संन्यास की घोषणा कर दी। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे अंबाती रायुडू ने साल 2019 में जमकर सुर्खियां बटोरी। टीम इंडिया के लिए चौथे नंबर पर अपनी जगह पक्की की और टीम के लिए कई उपयोगी पारी खेली। फिर उनके खेल में अचानक से गिरावट आ गई। अंबाती को आईसीसी विश्व कप 2019 से पहले नंबर 4 पर पक्का माना जा रहा था। टीम इंडिया की इस नंबर की तलाश खत्म हो गई थी और उनके बल्ले से जमकर रन निकल रहे थे। इस नंबर पर अंबाती ने 4 अर्धशतक और 1 शतक जमाया था। फरवरी 2019 में न्यूजीलैंड दौरे पर अंबाती ने 90 रन की पारी खेली और फिर लगातार 3 पारियों में वे फेल हो गए। महज 3 खराब पारियों के आधार पर चयनकर्ताओं ने विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में उनको जगह नहीं दी। उस वक्त मुख्य चयनकर्ता एसएसके प्रसाद थे, जिन्होंने विजय शंकर को 3D प्लेयर बताते हुए उनको अंबाती की जगह पर टीम में जगह दी। टीम सिलेक्शन के बाद अंबाती बेहद भड़के नजर आए और सोशल मीडिया पर खुलेआम चयनकर्ताओं पर भड़ास निकाली। अंबाती ने एसएसके पर सीधा निशाना साधते हुए पोस्ट में लिखा था कि मैं एक 3D चश्मा ऑर्डर कर रहा हूं। इस चश्मे से विश्व कप का मजा उठाऊंगा। मुख्य चयनकर्ता को विजय शंकर को 3D बुलाए जाने का यह तंज भरा ट्वीट था। इस घटना के कुछ दिनों के बाद अंबाती ने अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हर किसी को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने बाद में अपना फैसला वापस लेते हुए संन्यास से वापसी करते हुए खेलने का ऐलान किया। इस वाकये के बाद उनका कैरियर खत्म हो गया और कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं हुई। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें टीवी न्यूज। नमस्कार।